हुआ, सर्वेक्षण हुआ, उसे कानूनी तौर पर जो पक्षकार हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों के लिए कोर्ट में थोड़ा सा जज साहब को लिए भी अच्छा रहेगा कि उसमें जो जब सर्वे होगा तो इसके नाते बहुत बहुत साधुवाद है और गर्व की बात है कि अब भगवान कृष्ण को भी न्याय मिल जाएगा, जैसे भगवान राम को न्याय मिला है वैसे भगवान कृष्ण को भी न्याय मिला। एक सवाल बार बार पूछा जाता है राजू दास जी की, अगर मुस्लिम पक्ष को लगता है कि नहीं वहां पर किसी प्रकार का कोई मंदिर नहीं था, चाहे हम काशी की बात करें या फिर मथुरा की बात करें, तो फिर उनको सर्वे से दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? यही सवाल काशी के केस में भी पूछा जा रहा था, यही सवाल यहां भी पूछा जा रहा है। क्या उनको इस बात का डर है कि सच सामने आ जाएगा? इसीलिए हम कह रहे थे ना, देखिए काशी में जो हम लोग कार्बन डेटिंग और सर्वे की जो मांग कर रहे थे, इससे वहां पर भी डर रहे थे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उनको ये डर है, इसलिए डर है क्योंकि वो लोग शुद्ध रूप से चोर हैं। आक्रांताओं ने जिस प्रकार से हमारे मंदिर को तोड़कर वहां पर शाहिद का बना लिया, वहां पर मस्जिद बना लिया, तो उनको ये डर है कि ऐसे तो हम जला ले जाएंगे कि ये कागज नहीं, वो कागज नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। शाहिद का मस्जिद है, उसमें एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे किया जाए, ऐसी हमारी मांग थी। इसके लिए हमने एप्लीकेशन मूव की थी माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में। एप्लीकेशन का नंबर है एप्लीकेशन 130 का। उस एप्लीकेशन को अलाउ करते हुए आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन अलाउ कर दी है और ये कहा है कि वहाँ पे एडवोकेट कमीशन का सर्वे जारी किया जाए। एडवोकेट कमीशन के सर्वे में कौन कौन होगा, कितने मेंबर पैनल बने, कितने बजे से होगा, कौन कौन उसमें जाएगा, वो सारे मॉडेलिटीज कोर्ट 18 दिसंबर को तय करेगी। अच्छा, कितनी बड़ी जीत मानते हैं ये, चूंकि जिस तरह की मांग कर, देखिए मैं एक वकील हूँ और एक लॉयर होने के नाते मेरी ड्यूटी है कि जो केस के हमारे फैक्ट्स हैं उसको और पुख्ता किया जाए, और उसके लिए हमने ये एप्लीकेशन मूव की थी ऑर्डर 26 रूल 9 में, जिसको आज माननीय न्यायालय ने अलाउ किया। अच्छा, क्या आपने दलील दी थी उस समय कि किस तरह से जो है अयोध्या में भी इस तरह से किया? देखिए हमारे मेन फैक्ट्स ये थे कि ये ऐसा जटिल केस है जिसके लिए वस्तु स्थिति तय करना बहुत जरूरी है, जिससे जिसके लिए स्पॉट पोजिशन तय करना बहुत जरूरी है। तो वकील विष्णु शंकर जैन को सुन रहे थे आप। उनका कहना था कि हम लगातार ये मांग कर रहे थे कि सर्वे से ही सच सामने आएगा, और जैसा हमने काशी के केस में मांग की थी वही मांग हमने यहां मथुरा के केस में भी की थी, और हमारी मांग को मान लिया गया है। अब कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि हां, कोर्ट कमिश्नर की अगुवाई में सर्वे होना चाहिए। बहुत जल्द वो तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि किसकी अगुवाई में सर्वे होगा, कोर्ट कमिश्नर किसे नियुक्त किया जाएगा, और साथ ही साथ कितने एरिया में सर्वे किया जाएगा, कितने समय में सर्वे किया जाएगा, सारी तस्वीर आने वाले दिनों में साफ हो जाएगी। और स्वामी दीपांकर जी हमारे साथ पे जुड़ गए हैं। स्वामी जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर, और इस वक्त की जो बड़ी खबर मिल रही है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वे को मंजूरी दे दी है, क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि एक शब्द अक्सर सुना करते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, अब बदल जाएगा कि बोले कृष्ण लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, माखन मिश्री खाएंगे और जय श्री कृष्ण। विनय शर्मा पहले ये कहा है उन्होंने कि हम पहले सर्वे कमीशन की रिपोर्ट पे सुनेंगे जन्मभूमि वाले पक्ष को, उसके बाद 7/11 की जो एप्लीकेशन मेंटेबिलिटी पे सूट की, उसके बाद उसको सुना जाएगा, पहले सुना जाएगा सर्वे कमीशन की एप्लीकेशन पे। 18 तारीख नेक्स्ट डेट लगाइए हेयरिंग की इसमें, और विपक्ष की तरफ से विपक्ष ने इसमें यह एतराज किया कि इसमें साहब कि हमें इसमें सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका दिया इस ऑर्डर अगेंस्ट, तो कोर्ट ने कहा है कि आपके लिए खुला हुआ है, आप जा सकते हैं, प्रोविजन है, जा सकते हैं जैसा आप चाहें। तो नेक्स्ट डेट ऑफ लिस्टिंग है 18 दिसंबर की डेट लगा दी कोर्ट ने, 18 दिसंबर को पहले सर्वे के हाँ सर्वे के लिए डिसाइड होगा सर्वे कमीशन के, उसके बाद 7/11 की एप्लीकेशन विपक्षी की सुनी जाएगी ईदगाह वालों की। बहुत बड़ी जीत है हिंदू पक्ष की, कोर्ट कमीशन हम लोगों का मानना यह है कि जैसे पहले आक्रांताओं ने आके जो कब्जे किए हैं जमीनों पे, जैसे मंदिरों पे, मस्जिदों पे, जो भी किए हैं मंदिरों पे, तो उसी का हम लोगों ने बड़ी जीत है कि पहले सर्वे होके ये पता चले कि ये प्राचीन जो भी चीजें हैं नीचे दबी हुई हैं, वो बाहर आए, उससे ये पता चला है किसका इस पे किसका वो है इस पे। जी मेरा, मैं विनय शर्मा श्रीकृष्ण जन्मभूमि की तरफ से अधिवक्ता उच्च न्यायालय हिंदू पक्ष के लिए। तो सभी पक्षकारों के वकीलों का रिएक्शन लगातार सामने आ रहा है। 18 दिसंबर को अगली तारीख लगी है, 18 दिसंबर को ही साफ हो पाएगा कि कोर्ट कमिश्नर किसे नियुक्त किया जाएगा और सर्वे किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। मथुरा से हमारे सहयोगी नितिन गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
नितिन के पास चलेंगे, लेकिन स्वामी दीपांकर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। स्वामी दीपांकर जी, 18 दिसंबर को यह तय होगा कि सर्वे किस तरीके से आगे बढ़ेगा। आप लोगों को लग रहा है कि सर्वे से ही बात बन जाएगी, या जिस तरीके से एएसआई सर्वे हो रहा है काशी विश्वनाथ में, ज्ञानवापी में, उसी तरीके का सर्वे यहां भी चाहते हैं पूरा सच सामने लाने के लिए? मैं समझता हूं कि कम से कम सत्य तो लोगों को दिखना चाहिए, पता लगना चाहिए कि किसी देश का आराध्य कैसे हम लोगों के अज्ञानता के कारणवश अदालत का हिस्सा बन जाता है, और उसी को पाने में इतना संघर्ष करना पड़े, और वो भी तब जब भारत के तीन प्रमुख या मुख्य देवता हैं जिन्हें हम कहते हैं कि शिव हमारे शीश हैं, राम हमारे प्राण हैं, और कृष्ण हमारी प्रज्ञा है। और सोचिए कि उसी प्रज्ञा के लिए हम लोगों को अदालत जाना पड़ता है, अपनी बात कहनी पड़ती है, सर्वे कराना पड़ता है, और फिर कथित भाईचारे की बात भी करनी पड़ती है। मगर फिर भी मैं कहूंगा कि आज कानून की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है, आस्था की जीत हुई है, और उस प्रमाण की भविष्य में जीत जरूर होगी जो प्रमाण चीख चीख कर बोल रहे हैं। दीपांकर जी, अब यहाँ पर कानून की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, तो एक जो बात है बार बार मुस्लिम पक्ष की तरफ से कही जा रही है, वो कह रहे हैं कि अगर ये सिद्ध भी हो जाता है कि यहाँ पर मंदिर था, तब भी वर्शिप एक्ट के तहत में यहाँ पर मंदिर नहीं बनाया जा सकता। बहुत सी चीजें बदली जा चुकी हैं कानून के नाम पर, बहुत सारे कानून भी खत्म किए जा चुके हैं, मगर एक शब्द अधिकांश हम लोग सुनते थे टीवी पर, पेंट का एड था, बोले कि दीवारें बोल उठेंगे। मैं समझता हूं कि दीवारें बोल उठेंगी, दीवारें बोलेंगी भी, राज खोलेंगी भी, और बताएंगी भी कि आखिरकार ये कृष्ण की जन्मभूमि है, ये कोई मस्जिद नहीं, कोई मॉस्क नहीं, ये मस्जिद नहीं है, ये महाजिद है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी दीपांकर जी, न्यूज 18 से बातचीत करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो बड़ी बात यही है कि शाही ईदगाह के सर्वे को मंजूरी मिल गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज इस मामले पर फैसला आया और कोर्ट ने कहा है कि हां, सर्वे होना चाहिए। 18 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी और सुनवाई के दौरान ही साफ होगा कि सर्वे किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि इन सबके बीच मुस्लिम पक्ष की तरफ से वक्त मांगा गया, उन्होंने कहा कि हमें आगे अपील करने का वक्त मिलना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि आपके पास वो विकल्प बरकरार है, आप जिस अदालत में जाना चाहते हैं, जहां अपील करना चाहते हैं, आप अपील कर सकते हैं। फिलहाल 18 दिसंबर को एक बार फिर से सुनवाई होगी और उसके बाद यह साफ हो जाएगा कि क्या काशी विश्वनाथ यानी ज्ञानवापी के तर्ज पर ही यहां पर सर्वे आगे बढ़ेगा, या फिर यहां पर सर्वे का प्रारूप कुछ अलग होगा। और साधु गीतांबा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। साधु जी, क्या कहेंगी, क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया है हाई कोर्ट ने जिस तरीके से सर्वे को मंजूरी दे दी है? बहुत ही, मतलब एक तरह से बहुत ही सराहनीय है, और हमारा इतिहास अब पूरी तरह से क्लीन हो जा रहा है, साफ हो जा रहा है कि मेरे इतिहास में वहाँ हमारा मंदिर था, जन्मभूमि थी और है। और रही बात ये, अगर मस्जिद कमेटी वाले कह रहे हैं कि नहीं यहाँ कोई औचित्य नहीं है, तो मस्जिद का जो जमीन होता है वो दान में लेकर के किया जाता है, कब्जे में लेकर के नहीं किया जाता है, और वहाँ किसी ने दान नहीं किया है, लोगों ने कब्जे में जबरदस्ती करके वहाँ पर मस्जिद बनाया है। इसलिए वो अगर हमारा वहाँ जांच होगा तो वहाँ हमारी बहुत सी पुरातन चीजें मिलेंगी, और इसी तरह से अगर कोर्ट साथ देता रहेगा सत्य का, तो हमारा मंदिर वहाँ बनकर के तैयार होगा, और हम लोगों के लिए बहुत खुशी है कि मथुरा हमारा एकदम क्लीन हो जाएगा। हम लोगों के लिए जो तीर्थ यात्रा करने जाते हैं तो मन में रोना आता है, क्योंकि जो हमारी जन्मभूमि है, जन्मभूमि का बस खाली 10 फुट का रूम दिया गया है, बस 10 फुट, बाकी पर मस्जिद है। तो ये बहुत ही कष्ट होता है, बहुत ही दुख होता है देख करके। और आज भी आप अगर मंदिर के अंदर जाएंगे तो देखेंगे कि मस्जिद के तरफ जाने के लिए दीवार दरवाजा बना हुआ है, जिसको इन लोगों ने ढक दिया है, आज भी वो दरवाजा वहां कायम है। तो ये इस तरह से देख करके ये मन को कष्ट होता है। आज बड़ी शांति मिल रही है कि चलो कम से कम कुछ तो जांच में आगे बढ़ेगा, तो हमारी चीजें तो मिलेंगी, और जब हमारी चीजें मिलेंगी तो न्यायालय हमारा साथ देगा ही देगा। साधु गीतांबा जी, जिस तरीके से हमने अयोध्या के केस में देखा कि बार बार केस को अटकाने भटकाने लटकाने का प्रयास किया गया, और अब वही काशी विश्वनाथ में चल रहा है ज्ञानवापी के केस में, क्या आपकी मांग है, आप क्या चाहती हैं कि कम से कम मथुरा के केस में वो ना हो, फैसला जल्दी आए, ये सुनिश्चित किया जाए? बिल्कुल, ये किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारा न्यायालय अंधा नहीं है, वो सबूत और गवाहों पर चलता है। मेरे पास पूरा सबूत है,
हर तरह से सबूत है और गवाही के रूप में इनके पास कोई कागज नहीं है, बस खाली ये बकवास करते रहते हैं, मुसलमान जितने हैं बस बकवास करते रहते हैं। तो इनके बकवास का जो है बकवास कर करके ये टाइम पास करते हैं। इस पर न्यायालय को ध्यान देना चाहिए कि बकवासों पर ध्यान न दे, सबूतों पर ध्यान दे, जो सबूत मिल रहा है उस हिसाब से हमारे साथ न्याय हो। हम बकवास पर अगर ध्यान देंगे तो इसी तरह से लटकता चला जाएगा केस। तो हम न्यायालय से गुहार करते हैं कि इन लोगों के बकवास पर न आवे, सबूतों पर आवे और सबूतों के आधार पर वो हमें न्याय दे। गीतांबर जी, पहले हिंदू पक्ष की तरफ से बहुत सारी बातों का यहाँ पर जिक्र किया गया कि मस्जिद के नीचे जन्म स्थान है और जब वहां पर सर्वे होगा तो पूरी तरह से चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। अब इस सर्वे से आपको कितनी उम्मीदें हैं? क्या आपको लगता है कि ये सर्वे होने के बाद में पूरी चीजें साफ हो जाएंगी और ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि मस्जिद के नीचे ही कृष्ण का जन्म स्थान है? बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। इसमें कुछ भी मतलब कल्पना का नहीं है, सब सत्य होगा, सब कुछ मिलेगा, बहुत कुछ वहाँ सबूत मिलेगा। जिस तरह से हमारा यहाँ ज्ञानवापी मंदिर जहाँ है वहाँ पर सारे सबूत बोल रहे हैं, फिर भी ये लोग बकवास की वजह से मुकदमा लटकाए पड़े हैं, उसी तरह से वहाँ भी बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन न्यायालय से निवेदन है कि इनके बकवास पर ना आकर के हमारे सबूतों पर चले तो सब कुछ हमें मिलेगा। वहाँ बहुत कुछ मिलेगा क्योंकि इनके पास बस ढांचा गिरा गिरा करके बनाए हैं और ढांचा का मलबा तक ये लोग नहीं उठवाते हैं। इनके पास इतनी औकात ही नहीं है, बस इनके लठ और मठ।